तो हे गाइस, मैं हूँ इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस एजुकेशनल राउंड 109 रेटेड फॉर ड्यूशन 2 का क्वेश्चन ए, पोशन मेकिंग। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आप आके यहाँ से एक बार पढ़ ज़रूर लीजिए खुद से, ठीक है, और ख़ुद से एक बार सॉल्व करने का ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है ये जानते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में भैया दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि हमें एक पोशन बनाना है, ठीक है, हमें एक पोशन बनाना है। पोशन जो है ये दो चीज़ से मिलके बना है, एक मैजिक एसेंस है, ठीक है, एक मैजिक एसेंस से, और एक है हमारा वाटर से, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें इस पोशन का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसको के परसेंट रखना है, ठीक है। उसको के परसेंट रखना मतलब कहने का क्या मतलब है कि, तो मान लो अगर हम 100 लीटर का ये पोशन बनाए, ठीक है, हम 100 लीटर का पोशन बनाए, तो इस 100 लीटर में से हमारा के लीटर जो है ये हमारा मैजिक एसेंस रहेगा, ठीक है, के लीटर हमारा मैजिक एसेंस रहेगा, और 100 माइनस 100 माइनस के लीटर हमारा वाटर रहेगा। क्यों ऐसा रहेगा, यही ना सीन है भाई। अगर 100 लीटर का है तो 100 लीटर का के परसेंट कितना हुआ, 100 लीटर का के परसेंट के ही हुआ, तो यही है, के लीटर हो गया और ये 100 माइनस के लीटर हो गया, ठीक है, इतना सिंपल सा बात है। तो हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि मिनिमम स्टेप्स हमें कितना लगेगा, ठीक है, और एक स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेप में जो हमारा जो गैलन है जार है उसमें या तो हम 1 लीटर पानी डाल सकते हैं या 1 लीटर मैजिक एसेंस डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें यही बताना है कि कितना स्टेप लगेगा, ठीक है, के परसेंटेज का कंसंट्रेशन का हमें बनाना है, ठीक है। तो भैया अब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है, तो यार इसमें क्लास 5-6 का मैथ्स लग रहा है, ठीक है, कैसे लग रहा है देखो। अगर हम मान लो हमारा के जो है, ठीक है, हमारा के जो है ये 10 दिया हुआ हमें, ठीक है, तो हमें 10% का बनाना है, तो किस रेशियो में जाएगा हमारा पोषण और वाटर का। तो मान लो के अगर हमारा 10 है तो वाटर हमारा 90 होगा, ठीक है, ये आपका और कुछ नहीं, आपका 100 माइनस 10 है, ठीक है, यही ना पोर्शन में रहेगा, तो दोनों मिलके आपका 100 बन जाएगा, ठीक है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 100 बन जाएगा, तो रेशियो तो यही रहेगा, सिंपल सा बात, इतना समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो हमें क्या कितना लग रहा है, हमें 10 लीटर हमारा मैजिक एसेंस लग रहा है, 90 लीटर हमारा वाटर लग रहा है, ठीक है। लेकिन सेम काम, यही सेम रेशियो हम 1/9 में भी तो ला सकते हैं ना, समझ रहे ना, 1/9 में ये 1 लीटर और ये 9 लीटर, तो इसमें 10 लीटर बना, तो मैजिक एसेंस का कितना रेशियो है, मैजिक एसेंस का कितना परसेंटेज है, मैजिक एसेंस का हमारा 10% रहेगा, ठीक है। इसको कुछ नहीं किया, इसको रिड्यूस कर दिए, ठीक है। सेम काम जैसे आपका मान लो 30% बनाना, ठीक है, तो 30% आपका ये रहेगा, मतलब 100 लीटर अगर है, ठीक है, अगर 100 लीटर रहे तो 30 लीटर आपका मैजिक एसेंस रहेगा और 70 लीटर आपका वाटर रहेगा, ठीक है। लेकिन इसको जब हम फिर सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करें तो यहाँ देखो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 3/7, ठीक है। तो इन दो ये दोनों मिलके, ये दोनों मिलके आपका कितना बना, ये दोनों मिलके आपका 10 लीटर बना, ठीक है, ये दोनों मिलके आपका 10 लीटर बना। लेकिन आपका ये जो है आपका, लेकिन परसेंटेज जो है वो तो सेम ही रहा ना, ये 30% है, ये 7% है, 70% है, मतलब 10 लीटर का 30% हो गया 3 और 10 लीटर का 70% हो गया 7। तो समझ रहे हो ना कैसे काम कर रहा है। वैसे ही मान लो अगर 25 का बनाना है, ठीक है, तो 25 हो गया और भाई 100 करो, ठीक है, सॉरी इसको 75 करो, ठीक है। वैसे ही मान लो कि 25 हो गया, तो 25 हो गया तो नीचे कितना रहेगा, 75, मतलब 100 लीटर में 25 लीटर मैजिक एसेंस, 75 लीटर वाटर। लेकिन जब इसको हम रिड्यूस करेंगे तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 3, ठीक है, तो ये 1/3 इसका रिड्यूस फॉर्म हुआ। तो ये दोनों मिलकर कितना बना, ये दोनों मिलकर हमारा 4 लीटर बना, ठीक है। 1 लीटर 4 लीटर का कितना परसेंट हुआ, 1 लीटर 4 लीटर का आपका 25% हुआ और 3 लीटर 4 लीटर का आपका ये 75% हुआ, ठीक है। सिंपल मैथ से, क्लास 5-6 का मैथ से, कुछ नहीं करना, तो यही करना था। तो हमें क्या करना है कि देखो हम x को मान ले रहे हैं k, ठीक है, y को मान ले रहे हैं हमारा 100 माइनस k, ठीक है, तो ये हमारा x/y आ गया, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है, अब इसे हमें रिड्यूस्ड फॉर्म में करना है, ठीक है। रिड्यूस्ड फॉर्म मतलब जैसे रिड्यूस फॉर्म जो मैंने अभी जो दिखाया, 5/10 का रिड्यूस फॉर्म क्या होगा, 5/10 का रिड्यूस फॉर्म होगा 1/2, ठीक है। तो ऐसा रिड्यूस फॉर्म में लाना है, तो रिड्यूस फॉर्म में कोई फ्रैक्शन को हम कैसे करते हैं, तो उसको हम करने के लिए हम दोनों का पहले GCD निकालते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, दोनों को कौन सा मैक्सिमम नंबर डिवाइड कर सकता है, ठीक है। जैसे 25 और 75 का GCD 25 होगा, मतलब 25 होगा, ठीक है, यही ना होगा, 30 और 70 का GCD आपका 10 होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, समझ रहे हो ना, क्योंकि 10 ही ऐसा मैक्सिमम नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है, बिना कोई रिमाइंडर छोड़े। तो वही ये दोनों का हम GCD निकालेंगे, GCD को हम मान ले रहे हैं G, ठीक है, तो हम करेंगे x/g और y/g। अब हमें x का भी, यहाँ पे x/g हमारा क्या हो गया, रिड्यूस फॉर्म हो गया, y/g हमारा रिड्यूस फॉर्म हो गया, ठीक है। तो जब मान लो 25 और 75 रहता तो इसको y/g जब किए तो ये 1 हो गया, इसको y/g जब किए तो ये 3 हो गया, ठीक है।
तो अब हमें पता चल गया है कि हमें मिनिमम कितना मैजिक एसेंस डालना होगा, ठीक है, कितना मैजिक एसेंस डालना होगा और कितना हमें मिनिमम वाटर डालना होगा, ठीक है। मिनिमम स्टेप कब आएगा? मिनिमम स्टेप तभी ना आएगा जब हमारा जो मैजिक एसेंस, ठीक है, मैजिक एसेंस और वाटर का जितना मिनिमम डाले, क्योंकि एक स्टेप में हम 1 लीटर डाल रहे हैं या तो मैजिक एसेंस या तो वाटर, ठीक है। तो मिनिमम स्टेप तब आएगा जब इन दोनों का क्वांटिटी को हम घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही काम करें, क्वांटिटी घटा दिए, मिनिमम हम निकाल लेंगे कितना हमें मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये एक्स बाई जी हमारा मिनिमम आ गया, वाई बाई जी हमारा मिनिमम आ गया वाटर का, ठीक है। तो यही था, और लास्ट में आपका आंसर कितना हो जाएगा? लास्ट में आपका आंसर हो जाएगा एक्स बाई जी प्लस वाई बाई जी, क्योंकि इतना हमें मैजिक एसेंस डालना ही है, इतना हमें वाटर डालना ही है, ठीक है। तो वही हो गया, जैसे कि मतलब फिर से बता देता हूँ 30 और 70 वाला केस में, ठीक है। बाई जी सी डी जब करोगे तो आपका आ जाएगा 3/7, मतलब आपको 3 लीटर आपको इसमें डालना ही पड़ेगा, ठीक है। 3 लीटर आपको मैजिक एसेंस डालना होगा और 7 लीटर आपको वाटर डालना होगा। तो टोटल इसमें 3 स्टेप लगा, इसमें 7 स्टेप लगा, तो टोटल आपका 10 आ गया, ठीक है। यही चीज़ करना, कुछ नहीं था। इसका कोड देखना, तो आइए मैं कोड दिखा देता हूँ। तो देखिए ये रहा इसका कोड, कुछ नहीं किया है, सिर्फ इनपुट लिया है, के को जी निकाल लिया, जी सी डी, एक्स हो गया के बाई जी, वाई हो गया 100 - k/g, और लास्ट में सी आउट एक्स प्लस वाई प्रिंट कर दिया, ठीक है। कुछ नहीं था, सिंपल सा कोड था, इतना ही काम करना था, ठीक है। तो यही था, तो आज की वीडियो में तो इतना ही। और अगर आप गीक्स और गीक्स से कोई कोर्स करना चाहें, चाहे वो लाइव कोर्स है या ऑनलाइन कोर्स हो, तो आप एस के समय GFG कूपन यूज़ करना ना भूलिएगा, आपका फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा। ये वाली जो कोर्स है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, इसमें आपको देखिए यहाँ पे इंटर्नशिप का भी मौका मिलता है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे सब कुछ सिखा दिया जाएगा, सारा डेटा स्ट्रक्चर, सारा एल्गोरिदम, चाहे वो मैप हो, चाहे वो फिर आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो, ग्राफ हो, सब कुछ सिखा दिया जाएगा। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे आके, ठीक है। तो चेक कर लीजिएगा, चाहे आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें तो ये दोनों देख लीजिएगा, या फिर अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लेना हो तो ये देख सकते हैं, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा, इसके समय GFG कूपन यूज़ कीजिएगा, फ्लैट 10% आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो तो इतना ही, तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। एनरोल नाउ फॉर द बेस्ट इन इंडस्ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कोर्स, TSA सेल्फ पेस्ड विद हाईली ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट एंड एक्सेस टू प्रीमियम वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड बाय मिस्टर संदीप जैन हिमसेल्फ, कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट TSA टॉपिक्स along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.